धन्यवाद शगुन। ठीक, चलो। हाँ, मैं कह रही थी, या तो आप ऐसे समझ लो कि I2 ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया M1 के लिए, या I1 ने M2 मिरर के लिए। तो बेसिकली ये I3 इमेज और बनेगी। तो आपको समझ में आया, इस सेटअप में हमारे पास 3 इमेजेस फॉर्म हो रही है। ठीक, इस चीज में किसी को कोई डाउट? एनीवन बेटा, कोई डाउट किसी को इस केस में? मैम ओके, नहीं है तो आओ क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व। ओके, गुड मानसी, गुड प्रेरणा। अब आपको बताना है, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस इन दिस सेटअप, जो भी मैं आपके सामने बनाऊंगी। ठीक है, बेटा ये M1 मिरर है, ठीक है, और कुछ इस तरह से ये M2 मिरर रखा है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों मिरर 90 डिग्री पर है ना? राइट, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखा है, O पॉइंट पे। अब मुझे बताओ बेटा, इमेज कितनी बनेगी? 2, 3, 5, या मेरा वाला फेवरेट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। ठीक, चलिए, आप लोगों के पास टाइम है 1 मिनट का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो भी ऑप्शन आए आप मुझे बताओ, मैं आपकी चैट बॉक्स देख रही हूँ। ओके, अंशु का ऑप्शन आया डी, तुम्हारा भी फेवरेट ही है, नन ऑफ द अबव। That's fine. चलो आगे, चलो आगे, बोलो। ओके, आप ऑप्शन 2 बोल रहे हो कि आंसर 2 बता रहे हो बेटा सुबिया? ए ए, ओके 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 ओके, शिखा का आंसर आ गया। और बताओ, प्रेरणा, मैत्रेयी, मानसी, बच्चे तो बहुत सारे हैं, आंसर बताओ बच्चा, बोलो। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बी। बच्चे आपका नाम क्या है? प्रेफर नॉट टू से। अच्छा, नाम तो बता देना, बाकी बोलना नहीं बोलना। ए, शैलिजा का भी आंसर आ गया, अंकित का भी आंसर आया था। अंकित, आपने आंसर क्या दिया था बेटा? बी। ओके, शगुन का आंसर आया ए। चलो, आपका टाइम भी अप हो गया, मानसी का भी आंसर आ गया। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, और जिन्होंने सही नहीं दिया, ओके, मैथ्री सेट ए। देखो, जिन्होंने सही नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, आपने सॉल्व किया, दैट इज अ बिग थिंग। ठीक है, चलो उसे सॉल्व करते हैं। देखो, पहली ड्रिल हमारी तो अब तो मतलब खेल हो गया, ये एक कलर चेंज कर देते हैं। अब तो मतलब आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मल ड्रॉ करना है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बना दो। पहली इमेज बन गई, इसका अगर आपको रे डायग्राम कोई बनाने के लिए बोल दे, तो देखो ये एक रे स्ट्राइक कराई, मतलब अब तो आप इसको आंख बंद करके बना सकते हो। ठीक है, पर आंख खोल के बनाने, थोड़ा अच्छे से बन जाए। ठीक है, एक दूसरी इमेज बन जाएगी यहाँ पे, राइट, ये ऐसे। अब बेटा इसमें आप थर्ड इमेज नहीं बना सकते, जो हमने उसमें बनाई थी ना स्ट्राइक करके, कि M1 पे स्ट्राइक करी, M2 पे स्ट्राइक करी, और उसको हमने पीछे मतलब एक्सटेंड किया था, वो यहाँ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ रे निकाल भी लेते हो, तो बेटा यहाँ मिरर तो है ही नहीं, कहाँ स्ट्राइक करेगी? ठीक है, तो इसलिए जितने भी बच्चों ने ए आंसर बोला, बिल्कुल सही बोला, ए इज द आंसर। ठीक है, और जिन्हें जिन्होंने नहीं दिया था, उन्हें समझ में आ गया? ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ओके मैथ्री, देखो अब इसी चीज को लेके, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे सिर्फ 2 केसेस डिस्कस करे, जिसमें एंगल 180 डिग्री है या एंगल 90 डिग्री है, पर बेटा क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी एंगल आ सकता है, वो सिमेट्रिकल हो सकता है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, यानी कि इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकता है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक जर्नल आपको ट्रिक दी गई है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अभी आप ध्यान से समझना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट का फील देने के लिए मैं बता रही हूँ।
इन द एंड मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आप क्वेश्चन करना बड़े मस्त होंगे, ठीक है? कौन सा बेटा? आप पिछली क्लास में थे अंकित? हाँ, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। देखो बेटा, मैं आपके लिए फटाफट से 1 मिनट में रिकैप कराती हूँ। देखो, जब भी आप प्लेन मिरर की बात करते हो तो हमेशा ध्यान रखो, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर है, ठीक है ना, उतनी ही दूर इमेज बनती है मिरर से, राइट? तो आप एक काम करो, ऑब्जेक्ट से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पे। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पे, और जितना दूर ऑब्जेक्ट और मिरर है उतना ही अंदर इमेज बनाओ, ठीक? तो हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो बेटा, ठीक है ना, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस दूर हमने इमेज फॉर्म कर दी, ठीक? बाकी तो बस मैंने रे डायग्राम कंप्लीट किया है, क्योंकि किसी भी पॉइंट की अगर आपको इमेज चाहिए तो 2 रे निकालनी पड़ेगी ना उस ऑब्जेक्ट से। तो देखो, हमने 2 रेज निकाली, एक ये, और इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया, आई आई मिल गया हमें, ठीक? बस ये इमेज बनाई है। अब मैंने आपसे कहा था सर कितनी इमेजेस बनेंगी, तो बेटा दो ही तो इमेज बनेंगी, या कोई और तीसरी इमेज भी बन सकती है? नहीं बनेगी ना। अब समझ में आया आपको अंकित? ओके फाइन बेटा, चलो सर्कुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। ध्यान से समझना, ठीक है? ओके, सुना ना। देखो, अभी मैंने आपको जो 90 डिग्री वाला केस बताया था, कुछ ऐसा था, राइट? अब मैं देखो इसमें बाकी और ड्राइंग नहीं कर रही, आपको पता है यहाँ पे एक इमेज बनी थी, लेट्स से I1, यहाँ एक इमेज बनी थी I2, और एक इमेज इस केस में बनी थी यहाँ पर I3, ठीक है? अभी तो बहुत पुरानी बात नहीं हुई, सबको याद होगा ऐसा बना था। अब बेटा एक चीज देखो, सिर्फ मतलब कि ना ज्योमेट्री की बात है, आप कोशिश करना आपको इमेजिन हो एक बात बताओ, मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इस तरह से, ठीक है? ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं? भाई ये साइड कॉमन आ जाएगी, राइट? यू और बी बराबर, और 90 डिग्री बराबर। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बेटा आप ये बोल सकते हो ना कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट? ओके, सुबिया, मैथ्स रही, शगुन, सबको समझ में आया, इस साइड इक्वल है, राइट शिखा, ठीक है? अब आप इसी तरह से बेटा ये साइड और इस साइड को इक्वल बोल सकते हो, राइट प्रेरणा, मानसी? इस तरह से देखो तीनों साइड्स इक्वल है। अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, बस ध्यान से सुनना। अगर ये तीन साइड इक्वल है तो बेटा ये साइड भी इक्वल होगी, ठीक है? या तो आप मेरी बात मान लो, या फिर आप क्या करो, आप इसको भी प्रूफ करके देख लो। देखो ये चीज कॉमन होगी, ठीक? ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, बेटा अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये उसी की तो इमेज है, यानी कि ये डिस्टेंस भी बराबर। अगेन देखो, समझ में आ रहा है, यानी कि के पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्ट और सारे इमेजेस इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इस बात का फील आया आपको? के ऐसा पॉइंट है जिससे सारे ऑब्जेक्ट इमेज सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो बेटा अगर मैं ओ के को, ये जो ओ के ये लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है? लेट्स ड्रॉ सर्कल। थोड़ा बेटा सर्कल देखो गंदा बनेगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड दिस इज माई बेस्ट, ठीक है? जस्ट इमेजिन दिस इज अ सर्कल। अब ये जो भी सर्कल है, सारी की सारी इमेजेस इसी सर्कल पे लाई करेंगी। आपको एक मतलब दिख रही है ब्यूटीफुल चीज, कि जितने भी इमेजेस बनेंगी वो सारी इसी सर्कल पे लाई करने वाली हैं। बेटा यही सर्कुलर कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। सर्कुलर कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट और जहां मिरर मिल रहे हैं ना उस डिस्टेंस को रेडियस मान के सर्कल खींच लेना है, ठीक है? जब आप उस डिस्टेंस को मान के सर्कल ड्रॉ करोगे उस सर्कल पे सारी इमेजेस लाई करेंगी, ठीक? एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ,
देखो मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ करती हूँ एक मिरर, यही M1 उठा के मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। देखो अब प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एंगल मिरर और ऑब्जेक्ट में है, लेट्स से अल्फा, ये मिरर है ठीक है, इस मिरर से जितनी दूर अल्फा मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट है दैट एंगल, ठीक उतना ही एंगल बेटा इस इमेज का भी होगा। ये जो इमेज होगी ना ये भी मिरर से उतने ही एंगल पे बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी बताया कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये एंगल बराबर तो ये एंगल भी तो बराबर होगा ना, मतलब प्रॉपर्टी है एंगल्स की, राइट? इस बात का फील आया ये जो मैं लिख रही हूं? बोलो। चलो मैं 3 को आया, जिस जिसको आया फटाफट लिखो, थम्स अप यस, जो भी जो आपको लिखना है वो लिख दो। कि एंगल बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन मिरर एंड इमेज। ओके, जूबिया को आया, सुनैना, शिखा, प्रेरणा, शगुन, मैत्रेय, सबको आया? वेरी गुड। अंकित, अंकित कहाँ गया? शैलजा को भी आया। अंकित आपको समझ नहीं आया बेटा? आ गया। चलो अगर आप इस चीज को लिख रहे हो तो आप लिख भी लो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मानसी को भी आया, दैट्स वेरी गुड। लिख लिया आप लोगों ने? चलो अब बेटा, अब आप कोई भी क्वेश्चन हो मिरर का, अब वो आप बिल्कुल उड़ा के फेंक दोगे। क्या कहते हैं वो आजकल चल रहा है ना भाई, गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का, गर्दा उड़ा दोगे तुम, ठीक है? दिस इज M1, दिस इज M2। अब इस ऑब्जेक्ट से ठीक है, ये लेट्स से अल्फा एंगल पर है, बीटा एंगल पर है, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें वो के पॉइंट पकड़ना है, ओ पॉइंट पकड़ना है, और ये बढ़िया सा सर्कल ड्रॉ कर देना है ठीक है। बस अब मेरे साथ फटाफट बनाते चलो इस चीज को। अभी बताओ M1 मिरर से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर है? अल्फा एंगल पर है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? ये एंगल कितना होगा? ये भी अल्फा होगा है ना। M1 मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज, राइट? जल्दी बोल दो। ठीक ऐसे ही ऑब्जेक्ट जितना M2 से दूर उतना ही उसकी इमेज भी M2 से दूर, ये एंगल भी बीटा होगा, बिल्कुल। अब देखो अब एक चीज समझो, ये आई जो इमेज है वो M1 की देखो रिफ्लेक्टिंग साइड बन रही है, वो सॉरी पॉलिश्ड साइड बन रही है ना। दिस इज योर M1 मिरर। ये जो आई इमेज है ये M1 की पॉलिश्ड सरफेस पे बन रही है, तो बेटा ये इसके लिए कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। लेकिन ये M2 के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे बन रही है, तो ये M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब तुम देखना कितनी इमेजेस बनती चली जाएंगी। अब ये अल्फा है ना, अब तुम बस ये देखो M2 से I के बीच एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, क्या 2 अल्फा प्लस बीटा है? देखो इस सर्कल ना बड़ा गंदा होने वाला है, जल्दी बस समझते रहो जहां जब 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 बनाया जा रहा है ना। 2 अल्फा, बहुत सही मैथ्री, 2 अल्फा प्लस बीटा। बेटा अगर ये M2 से 2 अल्फा प्लस बीटा पर है तो इमेज भी तो 2 अल्फा प्लस बीटा पे जाएगी, यानी कि ये इस आई की एक और इमेज कुछ यहां बना देगा, और कितने एंगल पे बनाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा। शानदार बात, आई समझ में? बताओ जल्दी बताओ, आई समझ में? गुड सुनैना, गुड शिखा, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब तो आपको बस क्या उड़ाना है, गर्दा उड़ाना है, उड़ाओ गर्दा। अब ये जो आई इमेज है बेटा ये इस M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वो ट्रिक है, वो ट्रिक बताऊंगी मैं बस। आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट का फील समझ लो, क्योंकि फील अगर आ गई ना तो ट्रिक्स, तो मतलब ट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं होती, कॉन्सेप्ट वाइज फील वाइज क्वेश्चन वाइज होगी। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली आप ट्रिक्स ही करोगे वो तो, ठीक है? अब देखो जितना इस ये एंगल है कितना, अल्फा प्लस 2 बीटा, बेटा उतनी ही दूर ये क्या बना देगा,
इमेज बना देगा, समझ रहे हो? अरे तुम सब बच्चे बड़े होशियार हो। बन गया, अब ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इमेजेस बनती रहेंगी, लेकिन एक एंड पॉइंट भी है बेटा इसका, और वो एंड पॉइंट है जब इमेज और मिरर इनके बीच में इस तरीके का एंगल बन जाए, या तो 180 डिग्री बन जाए या 180 डिग्री से ज्यादा बन जाए, क्योंकि उस केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो उठकर पॉलिश्ड साइड आ जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पॉलिश्ड साइड गया, नो मोर रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो दिस इज द एंड पॉइंट, यहाँ पे नो फर्दर इमेज विल फॉर्म। कितने बच्चों को इस बात की फील आ गई? गुड, सुने ना, कम ऑन प्रेरणा, मानसी, मैत्रेयी, जूबिया, जूबिया की दोस्त प्रिया, ओके शिखा, चलो शगुन को भी आ गया। बस अब ये है ट्रिक, क्रिस क्रॉस मेथड। अब मतलब इसमें तो आपको बहुत ही मजा आएगा। मैं क्वेश्चन लिखूंगी, क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, आप आंसर दे के मारोगे चैट बॉक्स में। दिस इज एम वन, दिस इज एम टू, ठीक? ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सही बात? चलो अब बेटा बस ऐसे लिख लो, एम वन एम टू। अभी जो ऑब्जेक्ट है ये एम वन से कितनी दूर है? बीटा दूर, मतलब एंगल वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये अल्फा दूर। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, तो मैं ये समझ लो पहली इमेज भी इतनी दूर ही बनेगी, है ना? ये बात तो आप समझ, फील है इस चीज की? अगर इस चीज की फील है तो बस अब आपको खेलना है, अब आपको ड्रॉइंग करनी है, जो मेरी तो बहुत खराब है पर आपकी अच्छी होगी। ये इन दोनों एंगल का सम लिख लो, अल्फा प्लस बीटा, सही है? ध्यान से समझते रहना। मैंने क्या करा, पहले इमेज के एंगल लिख लिए, बीटा अल्फा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल का सम लिखा, अल्फा प्लस बीटा। अब आप अगर बीटा की तरफ से यहां आ रहे हो, है ना, ऐसे तो आओगे, देखो बीटा की तरफ से इस तरह से यहां पर आओगे, तो बेटा इस एंगल में बीटा ऐड कर दो, यानी कि अल्फा प्लस टू बीटा, ठीक है? फिर आप अल्फा की तरफ से इधर आ रहे हो तो अल्फा ऐड कर दो, टू अल्फा प्लस बीटा, राइट? फिर से खेल करते हैं, अब यहाँ पे फिर अल्फा प्लस बीटा लिख लो, ठीक? अब आप टू अल्फा प्लस बीटा इधर से आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ठीक है? तो टू अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में ऐड कर दो, टू अल्फा प्लस अल्फा थ्री अल्फा, बीटा प्लस बीटा टू बीटा, बताओ समझ में आ रही है ये चीज? अब अल्फा प्लस टू बीटा की तरफ से आ रहे हैं तो इस एंगल को इधर ऐड कर देंगे, अल्फा अल्फा टू अल्फा और बीटा बीटा थ्री बीटा, बोलो चीज समझ आई है? ये देखा मैं एडिशन कैसे करा, अंशु को आया? अगर तुम्हें ये सीखने में तकलीफ है तो बस इसे जस्ट थम्स अप कर दो, अपनी सबको आ गया, अंजलि, प्रेरणा, गुड, शगुन, मैत्रेयी, एवरीवन, ठीक है? बेटा ये जो है ना, देखो ये एंगल्स बन गए इमेज के, ठीक है? इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री, ठीक है? इन सबके एंगल्स बन गए, गुड सुबिया, ठीक? अब इस चीज को ध्यान रखना, बस आपको एक सिंपल सा क्रिस क्रॉस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट की फील दी थी, कहीं तुम तो चार पांच लोगों में खड़े हुए तो बोल पाओ, ठीक? ये क्वेश्चन, ये चीज समझ में आती है, राइट? चलो बहुत बढ़िया, अब एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, आपको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस, जैसे मैंने लिखा था पहले, क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट जरा, एक सेकंड वेट करना बस। अरे खड़े हो जाओ, सुन कुछ नहीं जा रहा, चलो आई थिंक क्वेश्चन मिस हो गया, मुझे एक बार क्वेश्चन निकालने दो, ठीक है? मैं एक बार क्वेश्चन निकाल दूँ आपके लिए, ठीक है? देखो आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है बेटा, एक मिरर आपको दिया हुआ है, एक मिरर ये दिया हुआ है, एम वन एम टू, ठीक? ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 20 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक?
ऑप्शन मैं दे रही हूं आपको, ठीक है? फिर ये तो मेरा फेवरेट है ही, और अब आप बताओ। चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो। एंड पॉइंट का ध्यान रखना, जैसे ही 180 डिग्री आ जाएगा एंड पॉइंट हो जाएगा वो, उसकी फर्दर इमेज नहीं बनेगी। चलो फटाफट आंसर दो। अतुल का आंसर आया 5। ओके जल्दी 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 जल्दी। क्रिस क्रॉस याद करके देखो, वही करना, ठीक है? मजा आएगा उसे पढ़ने में। शालिजा को क्वेश्चन पसंद नहीं आया, वो छोड़ के चली गई। जल्दी 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 जल्दी, बस अभी अतुल का यार। जूबिया, मैथ्री, अंशु। ओके अंशु, ये तुम अच्छा डी, क्योंकि ऐसे पसंद है असली डी रख देते ना, कि बेकार में टेंशन ना हो, किसी ऑप्शन को बोले वाला लगे। मैथ्री, प्रेरणा, हांसी, कहाँ गए बच्चे? शगुन, अंजलि, शिखा। जुबिया का आंसर आया बी। ओके इसे मैं, जो तुमने ये लिखा है ना, इसे मैं बहुत क्यूट लेके जा रही हूँ, ठीक है? गलती से टाइप हो गया। ओके शालिजा का आंसर आ गया, शगुन का आंसर आया। गुड, सुना है ना? चलो चलो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। थैंक यू थैंक यू। चलो अब मैं सॉल्व करती हूँ। देखो वैसे तो मुझे पता है तुम लोगों ने कर ही लिया है, पर लेट मी डू द ऑनर। M1 से कितने डिस्टेंस, सॉरी कितने एंगल पर है? 20। M2 से 30, ठीक है ना? अब 20 और 30 को ऐड करो बेटा, कितना आएगा? 50, ठीक है? अब मैं 20 की साइड से यहाँ आई तो 70, 50 और 30 80। अब ऐसे जल्दी जल्दी करते रहो, ठीक है? अगेन 50, और बेटा मेरी है मैथ्स बहुत कमजोर, 80 और 50 कितना होता है? 130। 50 और 70, 120, ठीक है? अगेन आप 50 डिग्री यहाँ पे लिख दो। एक सेकेंड, ठीक है? 120 और 50 कितना हो गया बेटा? 170, और 50 और 30 180। देखो ये क्या आ गया, 180 आते ही हमारा एंड पॉइंट आ गया, राइट? ये क्या आ गया, हमारा एंड पॉइंट। तो बेटा इससे पहले कितनी इमेजेस बनी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इमेजेस बनी, राइट? तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया था उनको क्या ही, वैसे बहुत बढ़िया। हाँ तो बेटा 7 ही तो लिखा है, 7 इमेजेस, बी ऑप्शन बी तो है ये। हाँ बेटा दोनों साइड की गिनती करनी है, इतनी इमेजेस बनी है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 180 एंड पॉइंट हो गया। क्या हुआ शिखा? चलो अब एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं, ठीक है? यहीं पे लिख लेते हैं। वैसे मैंने स्लाइड ऐड करी थी, पता नहीं कहाँ ऐड करी थी, बट ऐड कहीं तो करी है। अब तुम्हारे लिए मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देती हूँ। सी देखो, ये एक M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताना मुझे। दिस इज ऑब्जेक्ट, और बेटा ये एंगल दिया है आपको 20, ये एंगल दिया है 40, ठीक है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6,
ऑप्शन सी है 4। अब क्योंकि अंशु को भी ये एनओटीए पसंद आने लगा है, इसलिए मैंने इस बार चेंज कर दिया। ठीक है, दिस इज 6। चलो अब इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। बताओ जल्दी से। सी ऑप्शन। ओके, इस बार आंसर को ऑप्शन चेंज करना पड़ा, नहीं डी नहीं था, ए ऑप्शन। ओके बी, ए बी। ओके बाकी बच्चे कहाँ गए? प्रेरणा, शिखा, मैत्री। मैत्री आ गई, प्रेरणा भी आ गई। ओके जुबिया बी। चलो बहुत सारे बच्चे आ गए। मैं हमेशा कहती हूँ आपने ट्राई किया अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो M1 मिरर, M2 मिरर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना आप जरूर नोट करना क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आपको। अब M1 मिरर से इमेज की ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 40, और यहां से 20। ठीक, ओके शैलिजा, 40 और 20 इन दोनों को ऐड किया, दिस इज 60, राइट? 60 40 कितना होता है बेटा? 100। 60 20 80। ठीक है, फिर हमने ऐसे करा 80 60 140, और दिस इज 160, राइट? दिस इज 60 एंड 160 60 इज 220। थैंक यू, 60 और 140 इज 200। तो बेटा देखो ये दोनों तो एंड पॉइंट हो गए ना, क्योंकि 180 से ज्यादा हो गए, इन्हें तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, राइट? अब हम काउंट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने 6 बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बेटा 6 आंसर गलत है। और वो इसलिए गलत है क्योंकि ये देखो जब आप इन तीन एंगल को ऐड करोगे ना, 160 प्लस 60 प्लस 140, तो आंसर बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। दिस इज 140। हाँ, इनको जब आप ऐड करोगे तो बेटा 360 डिग्री आ रहा है ना, 360 डिग्री। जब भी इन तीन एंगल्स का सम 360 आए तो मतलब वहां ओवरलैपिंग हुई है। जैसे 90 डिग्री में जो मिरर रखे थे ए वाले, याद है तब एक इमेज बनी थी, दो ऑब्जेक्ट की एक ही जगह बनी थी, उसे ओवरलैप इमेज बोलते हैं। और बेटा जब ओवरलैपिंग होती है ना तो एक काउंट करते हैं, दो बार काउंट नहीं करते उसे। तो अब आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4, और यहां से एक इमेज आई तो बेटा आंसर होगा 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? आ गई, सबको आ गई? इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, मानसी को आ गई, सुनैना को आ गई, मैत्री को आ गई। तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो। प्रेरणा को क्लियर हो गया, गुड। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चले। आओ दोस्तों चले। चलो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। कोई नहीं, शिखा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। पहले मैं आपको डराती हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा। देखो इसमें दो केसेस बनेंगे, बेटा पहला केस बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मुझे डराऊ नहीं ऐसे, तब तो अपने बच्चे को क्या डराना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। देखो इसमें क्या है, आप ऐसे सोचो मिरर है, ठीक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो बेटा इमेज के साथ क्या होगा? ठीक है, और केस सेकंड हम डिस्कस करेंगे
ऑब्वियसली जब पहले परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो अब पैरेलल मूव करेगा. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्लेन मिरर, राइट? चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा? दिस इज प्लेन मिरर एम. यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अभी ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है यहां पे, सही है? मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक? अब आप बताओ इमेज के साथ क्या होना चाहिए. देखो कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि वेलोसिटी क्या है, 1 सेकंड में ट्रेवल किए वाला करे जाने वाला डिस्टेंस, राइट? वही तो वेलोसिटी है. तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट 1 सेकंड बाद वी के पास आ जाएगा तो खुद सोचो प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर होता है मिरर से, तो इमेज भी 1 सेकंड में वी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी. यानी कि इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इस बात को बोल सकें कि कुछ यही स्पीड होगी, राइट? कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि ये होगा ऐसा, ठीक है? चलो बेटा इस कंडीशन में एक चीज है कि मिरर है रेस्ट में. मिरर किसमें है? रेस्ट में. मिरर मूव नहीं कर रहा है. बेटा इस सिचुएशन को आप अगर न्यूमेरिकली बताना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, ठीक है? इस डिस्टेंस को आप एक्स ले लो, इस डिस्टेंस को भी आप एक्स लोगे. यू आर बाउंड टू डू दैट. इफ दिस इज एक्स एंड दिस वुड बी माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि हमने मिरर को ओरिजिन पे कंसिडर किया है और ओरिजिन से जितने भी डिस्टेंसेज हम पॉजिटिव साइड मेजर करेंगे वो कैसे होंगे? प्लस में. जितने अपोजिट करेंगे वो माइनस में. अब देखो ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, इससे इधर की तरफ चलकर हमने डिस्टेंस मेजर किया मिरर से. इमेज यहां है, इससे इधर चले हम, ठीक है? तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो बस ये तो हमने डिफ्रेंशिएट किया इस तरह से. और बेटा ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज. अब आप खुद देख सकते हो. हाँ सुने ना, 1 सेकेंड बेटा, आपको ये समझ में आया? यू इज इक्वल्स टू वी, ये तो हमें पता है कॉन्सेप्ट है. यू इज इक्वल्स टू वी. मैंने बोला कि मिरर को आप ओरिजिन पे मानो और मिरर से जितना भी आप पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, यू नो एक्स के डायरेक्शन में जितना आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगा. अब देखो आप ऑब्जेक्ट से प्लस एक्स की डायरेक्शन में तो चले हो, राइट? आप ऑब्जेक्ट की से प्लस एक्स की डायरेक्शन में चले, इसलिए बेटा मैंने यहाँ प्लस लिख दिया. इमेज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप नेगेटिव एक्स में चले हो, इसलिए माइनस एक्स लिख दिया, राइट? सुने ना, आपको क्लियर हुआ बेटा? ओके, ये चीज आ गई. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है? किस केस में? जब मिरर रेस्ट में है, राइट? किसी को अगर ये लिखना है तो लिख लो फटाफट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ. लिख लिया? स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, एज यू विश. डन. चलो अब बेटा इसी के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं हम तो मिरर लेके भी भागेंगे, ठीक है ना? कोई आपको बोल दे कि भैया मिरर लेकर भी भागो, ठीक? अभी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये मिरर इस डायरेक्शन में भाग रहा सपोज वीएम से. अभी ऑब्जेक्ट भी ट्रेवल करेगा, ठीक है? और कॉन्सेप्ट के हिसाब से इमेज भी ट्रेवल करेगी. सिचुएशन समझ में आई? हम सब चीज भगा दिए, ठीक? बेटा कोई भी केस हो पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सेम रहेगा कि जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट भागेगा उतनी वेलोसिटी से इमेज भागेगी. लेकिन इस बार क्योंकि मिरर भी मूव कर रहा है तो आपको रिलेटिव वेलोसिटीज लेनी पड़ेंगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. और ये आपने 11th क्लास में सीखा होगा रिलेटिव वेलोसिटी को खोलना, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है? बस अब आप इसको रीशफल कर दो तो बेटा आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है?
बोलो, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिया है ना, ये वाला बताया है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटीज को कंसिडर करता हुआ है, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। इज इट ओके? समझ में आया ये चीज? बोलो। बेटा परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है ना। ठीक है, अगर ऐसे मूव करता तो ये होता पैरेलल मिरर, सॉरी मिरर, मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। ठीक है, ये कैसे अभी कैसे मूव कर रही है सारी चीजें, मिरर के परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट वी मेंट बाय परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ओके ठीक है, अब आप देखो, तो अगर आप चाहो तो केस फर्स्ट आप इससे प्रूव कर सकते हो, आप वहां पे मिरर का वेलोसिटी जीरो पुट कर दो, है ना। जो केस फर्स्ट था जहां मिरर स्टैटिक था, रेस्ट में था, वहां मिरर का वेलोसिटी जीरो पुट कर दो, ये जीरो हो गया तो देखो अपने आप आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट। ठीक है, आगे चले, चले आगे चले, चलते हैं। तो अब केस सेकंड है, बस ये तो बहुत ही मजेदार केस है, आपका फेवरेट हो जाएगा ये, मैं बता रही हूँ आपको। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल मूव करेगा मिरर के। ठीक है, ये केस आपका फेवरेट है, मैं पहले बता रही हूँ आपको ये चीज क्यों फेवरेट है, क्योंकि इसमें कुछ होगा ही नहीं। देखो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, ये भी ऐसे भाग रहा है, ये भी ऐसे भाग लेगा, ये एक लाइन कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगी उसी चीज पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे की तरफ भाग रहा है तो यहाँ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इफेक्ट विल प्रोड्यूस, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं आएगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ इमेज के। है ना फेवरेट केस हमारा, कुछ है ही नहीं इसमें, राइट। कूल, आई नो। चलो अब क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, मुझे क्वेश्चन ढूंढने दो बस एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, लो इतने मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको। ठीक है, यही लिख देते हैं और सॉल्व आप बताना, मैं सॉल्व करती हूँ उसको बाद में। देखो ये एक मिरर है, ठीक है, और बेटा मिरर है रेस्ट में, यहां पे ऑब्जेक्ट है और बेटा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा कुछ ऐसे, ठीक, 5/√, सॉरी 5/ नहीं, 5 × √2 m/s से, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और बेटा यहां कहीं उसकी इमेज होगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक, और आप इतने सॉल्व करने बैठो, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। ठीक है, सॉल्व करने बैठ जाओ, ऑप्शन का ऑप्शन में लिख दूंगी, इतने आप सॉल्व करोगे आपके मिल जाएंगे ऑप्शन, लिखते ही ये आ गया है। बस बेटा ऐसे किसी कंपटीशन में मत करके आई हो तुम, कि लिखते ही ऐसे देखते ही ए कर दिया। वो कौन सी मूवी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर ना, जिसमें वो ऐसे बोलता है कि बाकी सब किताबें पढ़ रहे होंगे, मैं आपके चरण पढ़ रहा हूँ, वो जीत जाता है, वो बस मूवी में ही होता है ना, रियल लाइफ में नेगेटिव मार्किंग में नंबर चले जाता है। ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है, हाँ, जे अच्छा करा है कभी रियल, कभी मतलब किसी एग्जाम में ऐसा, जय माता दी जय माता दी। पता है मैं सही बता रही हूँ,
डी होगा आंसर। चलो आप ऑप्शन देते रहो, मैं आपको एक ऐसे बात ऐसी बात कर लेती हूँ, आपसे सुनते रहना, क्वेश्चन करते रहना। पता है मैं ना 10th क्लास में थी और मैंने ना हिंदी के एमसीक्यू में यही करा, मुझे हिंदी का नहीं आता था और मैंने ना ऐसे ही 20 MCQs थे और सब में मैंने अकड़ बकड़ बम्बे बो जितना मुझे आता था वो खेल के मैंने ऑप्शंस लगाए। मतलब यकीन नहीं मानोगे मेरे 18 नंबर आए 20 में से, मतलब इतना मजा आया था मुझे। पर उसके बाद कभी मेरा तुक्का फिट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, तो मैं नेगेटिव में आते थे अगर मैं ऐसा खेलती थी। लगे बोलो मैं फिटनेस से बच गई मैम सर। ठीक है चलो, बच्चों के ऑप्शन आने लगे, सी डी सी डी सी डी ए डी। चलिए बेटा इजी होती है, पता है मेरी बहुत दिक्कत थी हिंदी में, मतलब मैं बोलने मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मतलब मैं बोलती हूँ बट लिखने में मुझे छोटी मात्रा बड़ी मात्रा इनमें बहुत दिक्कत होती थी। हमारे वो एमसीक्यू का मैम ने बनाया, मैं स्कोर करेंगे हम इसमें अकड़ बकड़ खेल से। देखो मैं फटाफट से बनाती हूँ। फ्रेंच? नहीं बेटा हिंदी इंग्लिश मुश्किल से आ रहा है, वही बहुत है। फ्रेंच मैं कोशिश कर रही हूँ, बिहारी और पंजाबी सीखने की, और हरियाणवी भी, मुझे बड़ी पसंद है हरियाणवी। अच्छा आपको स्कूल में सिखाते हैं? बढ़िया है, हमारे स्कूल में सिखाते थे, मतलब कुछ देर में, कुछ दिनों में ना मैं बिहारी सीखे तुमसे बिहारी में बात करा करूंगी, ऐसे का बबुआ का कितना करे तुम, ऐसा कुछ। जसकीट भी सिखाते हैं? एक सेकंड एक सेकंड, लो चलो मैं यहीं पे बना दूं, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है आप यहाँ से देखो। अच्छा आपको ऑप्शंस देखने होंगे, लो देख लो। हाँ सॉरी, भोजपुरी है, भोजपुरी आ गया, पंजाबी ज्यादा अच्छी है, बी होगा। कोई नहीं, सब अपने अपने आंसर्स रखो और मैं आपको आंसर बताती हूँ फटाफट से, आप चेक कर लो। बेटा कर दूँ आगे? इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, मैं कैसे सीखूँ? बस ऐसे भोजपुरी मेरा सीखने का बड़ा मन है पर्सनली। ठीक है यहाँ पे इमेज होगी। अच्छा लो मजाक नहीं करते हो, यहाँ आते हैं। ओके ओके मानसी शगुन, ठीक है चलो। अब देखो हमें नहीं पता किसी एंगल पे अगर मूव करे तो क्या केस होंगे, लेकिन हमने केसेस पढ़े हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है तो मैं इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेती हूँ बेटा, इधर भी 5 आ जाएगा और इधर भी 5 आ जाएगा, है ना राइट। अब देखो जब मैं अगर मैं पैरेलल की बात करूं, यहाँ पे इमेज लिख देते हैं, ठीक तो ये हो जाएगा सेम, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वही इमेज का वेलोसिटी। ठीक है अब मैं अगर बात करूं इस वाले केस की, ठीक मैंने क्या देखा था, सिंपल था भाई, माइनस ऑफ, देखो आपने क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना बस, तो यहां लिख दो ठीक, और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन है सॉरी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नथिंग बट -5 ऑफ आई कैप +5 ऑफ जे कैप, और बेटा आपका आंसर हो जाएगा सी। बोलो जितने बी बी ए बोले थे, शायद किसी एक ने सी बोला था, किसी ने तो सी बोला था, बाकी किसी ने नहीं बोला। बेटा जो कॉन्सेप्ट पहले लगाए थे वही तो लगाने हैं, बताओ ये चीज समझ में आई? कितना सिंपल सा, 2 लाइन का भी नहीं है। हाँ मैं आपका नाम भूल गई, आपने क्या बोला था, प्रेफर नॉट टू से, नाम क्या है आपका? ठीक है अब एक क्वेश्चन और दे देती हूँ अंकित। हाँ ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे इस बार ना एक काम करते हैं, अपन मिरर को भी मूव करा देते हैं 2 मीटर पर सेकंड पे, ठीक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और बेटा ये इधर की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल 37 डिग्री है ठीक है,
और यहाँ पर है इमेज, क्वेश्चन हमारा सेम है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करने बैठ जाओ, मैं फटाफट से आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है? चलिए ऑप्शन लिखिएगा इसके। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से सीरियसली करके दिखाओ। बस आपका ये टॉपिक हो। अच्छा, मैं आज आपको एक होमवर्क भी दूंगी। ठीक है, ऑप्शंस बताओ कौन से सही है। ध्यान रखना, इस बार मिरर भी मूव कर रहा है। जो केसेस आपने पढ़े हैं वही यूज होंगे, यूज करो उनको। बताओ ऑप्शन बताओ। बताओ बताओ बताओ, कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ, कर भी रहे हो या नहीं? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अतुल का आंसर आया बी। ओके, और बताओ। प्रेरणा, शिखा, दुबिया, मैत्री, आंसी, अंशु, बताओ। चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मैं करके बताती हूँ। सी, समझ नहीं आया, कोई नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। अच्छा, आपने एक मैजिक ट्राइंगल के बारे में सुना है? ये ट्राइंगल, ठीक है, ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ 5, 37, ये जो छोटा वाला एंगल है ना, देखो अगर आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो बेटा ये एंगल 53 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले एंगल के सामने छोटी साइड 3 और बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी वाली साइड 4। ठीक है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्राइंगल। तो यहाँ 37 बन रहा है। जब आप ऐसे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस साइड आएगा 4 और ये जाएगा 3। ठीक है, अगेन हमने क्या करा, उसको परपेंडिकुलर और पैरेलल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि एक सेकेंड कि इमेज में अगर हमें पैरेलल कंपोनेंट चाहिए तो वो हो जाएगा बेटा सेम जैसे ऑब्जेक्ट का है वैसे ही हो जाएगा, 3j। तो पहले तो हम यही हटा देते हैं कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, या तो बी होगा या तो डी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पॉजिटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये बराबर में क्लास छूट गई, जरा बच्चे जा रहे हैं, कुछ और कोई नोट करना थोड़ा सा। ठीक, परपेंडिकुलर की बात करते हैं बेटा। इस केस में मिरर भी मूव कर रहा है, याद रखना, तो आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी ये वाली। ठीक, अब देखो बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमेशा समझ के चलो, ये वाली चीज, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। ठीक, अब देखो ये जो इमेज है, सॉरी ये जो मिरर है, ये किस वेलोसिटी की तरफ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना, तो यहाँ पे -2 लिख दो। ऑब्जेक्ट प्लस में है, इमेज हमको चाहिए, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, राइट? ओके,
अब देखो, एक सेकेंड बेटा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहां से आप इमेज निकालो, परपेंडिकुलर वाली। दिस इज माइनस फोर, और माइनस फोर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एट, देख रहे हो? तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया इमेज का? बिल्कुल डी आंसर है आपका बेटा। जिनका नहीं आया था, क्या उन्हें समझ में आया? डी इज राइट, बिल्कुल सुना है ना, डी इज राइट। समझ में आ गया सबको? इजी क्वेश्चन था, अंशु को भी आ गया। ओके ओके, चलो बेटा अब मैं क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है, आपको एक होमवर्क देना है, प्लीज रुक जाना, ठीक है? एक सेकेंड रुकना बस। हाँ, मैं कह रही थी, देखो कल की क्लास के लिए आप स्फेरिकल मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उनको पढ़कर आना, ठीक है? उनके साइन कन्वेंशन, उनके रे डायग्राम्स, उनकी इमेज फॉर्मेशन की जो रूल्स है, ठीक है? कॉनकेव मिरर में पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सब पढ़कर आना, ठीक है? क्योंकि ये सब चीजें हमने क्लास 10th में पढ़ी है, तो आप जस्ट उनको रिवाइज कर कर आना, ओके? ये आपका होमवर्क है, कल मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ओके। कल भी फिजिक्स की क्लास है? सॉरी बेटा, मेरे को, मेरे पास ना वो नहीं है अभी। थैंक यू सुनाना, थैंक यू, ठीक है? अब आप सब अपनी क्लास लीव कर सकते हो, ठीक है? टाटा बाय बाय, एंजॉय। अच्छा कल नहीं है तो ठीक है, जब भी हो तो ये कर कर आना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। आज मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। गुड नाइट मैथ्स रे, गुड नाइट, बाय 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 एवरीवन, ठीक है? इंजॉय करो, बाय मानसी, थैंक यू बच्चा, थैंक यू एवरीवन। हाँ अंजलि, मैं बोल देती हूँ, मैं अभी भेज दूंगी, ठीक है? ओके ओके, बाय 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 बाय, टाटा टाटा, सी यू, बाय।